Hey, what's up guys, this is Meiser and here it is, iPad Pro 2020 6128 with A12Z Bionic. मैं इसे तकरीबन पिछले 3 महीने से चला रहा एंड फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव आई थिंक दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर. लिटरली आफ्टर गेटिंग दिस मैजिकल पीस ऑफ ग्लास देयर इज नो रीजन टू गो बैक टू पेन एंड पेपर मोड ऑफ स्टडी. पिछले 3 महीने से मैंने एक बार भी नोट्स पेपर पे नहीं बनाए और वो किताबों के ढेर लग जाना, उनमें से हर रोज अलग अलग नोट्स टूटना और ऐसे ही बहुत सारी फ्रस्ट्रेटिंग चीजें. ऑल गॉन. इज ऑल दैट इम्पॉसिबल? जस्ट वॉच द वीडियो. अब यार कहने को तो नोट मेकिंग, रीडिंग बुक्स, ये सब चीजें मोबाइल, लैपटॉप वगैरह पे भी हो सकती हैं, लेकिन पेपर पे जो मजा है वो इन सब पे कहाँ रहा है. लेकिन iPad Pro में ऐसा कुछ फील नहीं होता. इसकी वजह ये है कि iPad Pro में ऐसे कुछ स्पेक्स हैं लाइक रिफ्रेश रेट ऑफ 120Hz, दैट्स इन एवरी सेकंड द स्क्रीन इज रिफ्रेश्ड 120 टाइम्स, 4K लिक्विड रेटिना डिस्प्ले एंड अल्ट्रा फास्ट A12Z बायोनिक चिप, और जो इस सब का पूरा फायदा उठाता है एप्पल पेंसिल. नोट मेकिंग के लिए मैं यूज करता हूँ नोटेबिलिटी. मुझे पर्सनली ये एप्पल नोट्स और गुड नोट्स से काफी बेटर लगता है. और यहाँ पर प्रोमोशन का असली मजा समझ में आ जाएगा. आई मीन लुक एट द राइटिंग एंड द पेंसिल, देयर इज प्रैक्टिकली नो लैग. नोटेबिलिटी में आप कोई भी सुटेबल पेपर स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक रूल, ग्राफ्ट एंड कलर ऑफ द पेपर. और सबसे जरूरी चीज, नोटेबिलिटी इनबिल्ट मल्टीटास्किंग में बुक्स और नोट्स एक साथ ओपन कर सकते हैं. इसकी वजह से ड्रैग एंड ड्रॉप, कॉपी पेस्ट ये सब हैंडी तो पड़ता ही है, साथ में डिफरेंट एस्पेक्ट रेशो को भी सपोर्ट करता है जिसकी वजह से दोनों बुक्स और नोट्स स्क्रीन में फिट कर सकते हैं. इस पे लिखने का मजा ही एक अलग है, लाइक इट इज द ट्रू बटरी स्मूथ राइटिंग. और राइटिंग को सिलेक्ट करके रीसाइज या फिर डिस्प्लेस करना इज नॉट अ बिग डील. इस सब के अलावा आईपैड बहुत ही पोर्टेबल पड़ता है, स्पेशली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स जो घर से दूर रहते हैं या फिर वेकेशन पे हैं. कुछ साथ नहीं लेना, आईपैड है एंड दैट्स इट. मोस्टली आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं ना, कॉलेज में पढ़ तो रहे हैं लेकिन गोल कुछ अलग ही है, गेट, कैट, यूपीएससी. तो उनके लिए आईपैड ये सब एक साथ मेंटेन करने में बहुत ही हेल्प करता है. इन अ वे टू कीप द बुक्स एंड देयर हैंड रिटन नोट्स ऑलवेज अवेलेबल एंड मेंटेन्ड विद देम. एनोटेशन टूल्स लाइक हाइलाइटर, राइटिंग ऑन द बुक के अलावा आईपैड ओएस 14 में स्क्रबलिंग इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे पेंसिल की राइटिंग टेक्स्ट में चेंज होती है एंड दैट वर्क्स प्रीटी वेल. फर्दर नोटेबिलिटी में डिफॉल्ट कांस्टेंट होता है जिससे कुछ रेगुलर शेप्स लाइक रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल वगैरह बना सकते हैं एंड दैट कुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर साइंस स्टूडेंट्स, यू नो, फॉर मेकिंग डायग्राम्स एंड ऑल दैट स्टफ. कार्ड्स को हम किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, जस्ट सेलेक्ट द ऐप फ्रॉम द डॉक एंड लीव इट ऑन द एप्लीकेशन, और ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रॉम कार्ड्स मल्टीपल एप्स ऑन कार्ड्स लाइक कैलकुलेटर, फोटोज, फॉरी, यूट्यूब एंड वट नॉट. हाइडिंग कार्ड्स एंड गेट देम बैक बहुत ही आसान और हैंडी पड़ता है. कार्ड्स में एप्लीकेशंस मोबाइल वर्जन में लॉन्च होती है, इट फील्स लाइक यू आर जस्ट ड्रैगिंग द मोबाइल फोन फ्रॉम द साइड ऑफ द आईपैड. और एप्स के बीच में स्विच करने के लिए जस्ट स्लाइड द डॉक ऑन द कार्ड्स. कार्ड्स के अलावा कोई भी ऐप मल्टीटास्किंग में लॉन्च कर सकते हैं और वो डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो सपोर्ट करता है. इन दिस वे 3 apps एट अ टाइम बड़े एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है. लेकिन मैं सेशनल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कार्ड्स में लॉन्च करता हूँ और मल्टीटास्किंग में एक साइड नोटेबिलिटी और एक साइड व्हाट्सएप. फर्दर टू गेट द ओपन एप्स क्विकली जस्ट स्लाइड द डॉक एंड स्विच बिटवीन द एप्स. और ये सब चीजें आईपैड को मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट बनाती है. And after you are done, you can fix the pencil with iPad and it never fails. In this way, pencil ki battery hardly kabhi 90% se niche aati. Let me know in the comment section whether it's worth to buy an iPad Pro for a student. And there is a lot of other crazy stuffs in this device like GarageBand for composing music, LumaFusion for editing videos, Procreate for making paintings. And if you want me to cover all that in the next video, hit the like button and subscribe. Peace.